Delhi, a city that hides its beauty in plain sight, a city too important to overlook and too charming to leave unexplored, with streets full of hawkers, clear skies with chirping sounds, driving through the lush green roads, communities adding color to different corners, and the food tingling our taste buds. Ghalib, the great poet of Delhi, said, "I asked my soul what Delhi is. The answer, the world is a body and Delhi is its life." भारत की राजधानी दिल्ली हर प्रकार के पर्यटक और यात्रियों की जरूरत को पूरा करती है। इतिहास प्रेमियों से लेकर आर्किटेक्चर के शौकीनों, प्रकृति प्रेमियों के साथ फोटोग्राफर्स और पिकनिक मनाने वाले यात्रियों तक दिल्ली हर किसी को बेहद आकर्षित करती है। दुनिया के सबसे बड़े शहर होने के नाते यहाँ हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने आता है। देश की राजधानी न केवल भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है, बल्कि प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत संयोजन है। भारत की राजधानी होने के कारण एनसीटी का हिस्सा होने के साथ मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। साथ ही यहां बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए एक या दो नहीं बल्कि कई दर्शनीय स्थल हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा टावर और दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा स्मारक है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध कुतुब मीनार महरौली में स्थित है, जिसका निर्माण 1192 में दिल्ली संतलत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। बाद में टावर का निर्माण सदियों से विभिन्न शासकों द्वारा किया गया था। इस शानदार स्मारक का नजारा आपको भारत के समृद्ध इतिहास से रूबरू कराता है। कुतुब मीनार के अलावा कुतुब कॉम्प्लेक्स में आपको आयरन पिलर और अलाई दरवाजा जैसी कई अन्य प्राचीन संरचनाएं देखने को मिलेंगी। यह दिल्ली वासियों के लिए एक पसंदीदा पिकनिक स्थल बन गया है। इसके अलावा भव्य कुतुब महोत्सव पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। लाल किला। लाल किला नई दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी में स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग है। शहरों के केंद्र में स्थित यह मुगल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। इसका निर्माण शाहजहां ने वर्ष 1638 में आगरा से दिल्ली की राजधानी शिफ्ट होने के परिणाम स्वरूप किया था। सम्राटों और उनके परिवार को समायोजित करने के अलावा यह मुगल राज्य का औपचारिक और राजनीतिक केंद्र था और इस क्षेत्र की घटनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करने के लिए स्थापित किया गया था। हर साल प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। लाल किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह मध्ययुगीन शहर शाहजहानाबाद का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यह 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इंडिया गेट। इंडिया गेट के नाम से प्रसिद्ध अखिल भारतीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में राजपथ के साथ स्थित है। इसकी तुलना अक्सर फ्रांस के आर्क डी ट्रायंफ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से की जाती है। यह 42 मीटर लंबा ऐतिहासिक ढांचा सर एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था और यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारक में से एक है। इंडिया गेट पर हर साल गणतंत्र दिवस परेड की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इंडिया गेट देखने जरूर आना चाहिए।
लोटस टेंपल नई दिल्ली में स्थित लोटस टेंपल बहाई विश्वास को समर्पित है। इस इमारत की शानदार संरचना एक शानदार सफेद फंकुड़ी वाले कमल के रूप में की गई है और यह दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले प्रतिष्ठानों में से एक है। इस मंदिर की डिजाइन की अवधारणा कनाडाई वास्तुकार फारिवोरज साहिबा ने बनाई थी और वर्ष 1986 में पूरी हुई थी। यह मंदिर सर्वशक्तिमान की एकता का प्रचार करना चाहता है और यह सभी की राष्ट्रीयता, धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए खुला है। लोटस मंदिर यह दुनिया भर में मौजूदा 7 बहाई सभाओं में से एक है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला का एक प्रतीक। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर 2005 में निर्मित भगवान स्वामी नारायण का निवास स्थान है। यमुना नदी के तट पर स्थित मंदिर हिंदू धर्म और इसकी संस्कृति को दर्शाता है। भगवान स्वामी नारायण को समर्पित अक्षरधाम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में अपनी जगह बनाई है। इसमें 8 अस्थायी रूप से नक्काशीदार मंडप है। Why you always in a goody mother? It's a goody mother, it's a goody mother. जामा मस्जिद मध्य दिल्ली के बीच स्थित जामा मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह ताजमहल और लाल किले के बाद शाहजहां के स्थापत्य उपक्रमों का प्रभावशाली संग्रह था। ईद के पावन अवसर पर हर साल हजारों श्रद्धालु सुबह नमाज अदा करने पहुंचते हैं। आगर में 25,000 लोगों की क्षमता के साथ जामा मस्जिद यकीनन देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। दुर्भाग्य से नमाज के दौरान गैर मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जामा मस्जिद दिल्ली के पुराने हिस्से में स्थित है, जिसे अब चांदनी चौक कहा जाता है और यह खूबसूरत मुगल संरचनाओं से घिरा हुआ है। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली के सबसे पुराने बाजारों में से एक। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली का मुख्य केंद्र है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में भारत के मुगल शासक शाहजहां ने किया था। यह लाल किले के सामने स्थित है। 17वीं शताब्दी के युग के बाद से इस स्थान को दिल्ली में शॉपर स्वर्ग कहा जाता है। चांदनी चौक पर खरीदारी करना मजेदार है क्योंकि बाजार कई गलियों में बटा हुआ है और इन सक्री गलियों में कपड़े, इत्र, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आभूषण, मोमबत्तियाँ, देवताओं की मूर्तियों और जीवन शैली से जुड़ी कई चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।